Subscribe to my channel. It's free to subscribe, and also hit the bell icon so you do not miss out any of my videos. Hey guys, welcome back to my channel and I am Shefali. तो जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू प्लस डेमो शेयर करने वाली हूँ. तो वो प्रोडक्ट है ये ओलिविया का पैनकेक. इसने काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये. मैंने इसको पर्सनल यूज़ किया है, उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना इसका रिव्यू शेयर किया जाए. और यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे इसके बारे में कि ये कैसा है, क्या वर्क करता है. तो इसकी आई थिंक पहले इसका रिटेल प्राइस था 120 रुपीज़ एंड और अब ये मिला है 140 का. मैंने इसको अपने लोकल मार्केट से परचेज किया था और इसमें टोटल 13 शेड आते हैं, बट आपको आपकी मार्केट में 5 या 6 शेड ही अवेलेबल रहेंगे. तो उसी में से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा, मतलब आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा. तो मेरा शेड है इसमें नेचुरल हनी. तो देखते हैं मेरी स्किन पे कितने अच्छे से जाता है. बाकी इसके बारे में अब बाकी इसकी पैकेजिंग और इसके बारे में बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में. तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं. तो ये ब्लैक कलर कि पैकेजिंग में आया है और इसमें ओलिविया लिखा हुआ है. यहाँ पे साइड में पैनकेक और ये कुछ फ्लावर्स से बने हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है 100% वाटरप्रूफ. तो ये 100% वाटरप्रूफ है कि नहीं ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें. तो अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है वो बात कर लेते हैं. बैक पे लिखा है दिस पैनकेक इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड विद ISI अप्रूव्ड मटेरियल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर स्किन फ्रॉम पॉल्यूशन एंड लाइट रेज. एज सच इट इज़ एन आइडियल पैनकेक फॉर सीने टीवी स्टार्स. मतलब इसे सीने और टीवी के स्टार्स यूज़ करते हैं. ओलिविया पैनकेक प्रोवाइडेड अ परफेक्ट वेलवेट फिनिश. ये आपको परफेक्ट वेलवेट फिनिश देता है एंड फ्लॉलेस अपेयरेंस टू योर स्किन. और आपकी स्किन पे फ्लॉलेस दिखता है. बींग वाटर प्रूफ इट गिव्स यू अ वेरी नेचुरल लुक. ये इसे अप्लाई कैसे करना है ये भी इस पर लिखा है. अप्लाई ओलिविया पैनकेक विद अ डैम स्पंज इवनली. कीप द स्पंज क्लीन एंड ड्राई आफ्टर यूज. मतलब आपको डैम स्पंज, मतलब भीगे हुए स्पंज से इसे अप्लाई करना है और उस स्पंज को ड्राई एंड क्लीन करके रखना है ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो. तो ये तो आउटर. और इसकी सेल्फ लाइफ की बात कर लेते हैं गाइज. तो ये 19 में बना है और ये 22 तक चलने वाला है. तो मतलब 4 साल काफ़ी अच्छी लॉन्ग काफ़ी अच्छी लाइफ है इसकी. तो अब बात कर लेते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की. तो इनर पैकेजिंग इसकी कुछ ऐसे है. ये कुछ ऐसे ब्लैक कलर की पैकेजिंग में है और जैसे सेम बाहर लिखा था ओलिविया गोल्डन कलर से, वैसे ही इस पर भी लिखा हुआ है. और इसके बैक पे भी सेम वही सारी डिटेल्स दी हुई हैं जो उसके आउटर पैकेजिंग पे दी हुई थी. और ये एक काफ़ी अच्छा ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है इसकी. तो आप इसे ईज़िली अपने ट्रैवल करने में ले जा सकते हैं. तो इसके अंदर कुछ ऐसा स्पंज आया हुआ है. मैंने इसको यूज़ किया है एक बार. और ऐसे ही कुछ प्लास्टिक का सेपरेटर मिलता है ताकि आपके प्रोडक्ट से आपका स्पंज सेपरेट रहे ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो. और गाइज ये पैनकेक होता क्या है मैं आपको ये भी बता देती हूँ. ये पैनकेक आपके फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट को मिला के बनाया जाता है ताकि आपको कॉम्पैक्ट लगाने की ज़रूरत ना हो और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है आपके फेस पे. तो चलिए अब इसका डेमो देख लेते हैं कि ये पहले आपको अपने हाथ पे यूज़ करके दिखाऊंगी, फिर आपको अपने फेस पे यूज़ करके दिखाऊंगी. तो चलिए अब इसका डेमो देख लेते हैं. उससे पहले मैं अपना स्पंज वेट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ. गाइज मेक श्योर कि आप इस पैनकेक को अप्लाई करने के लिए आप दूसरा कोई स्पंज यूज़ करें क्योंकि ये स्पंज बिल्कुल बेकार है. एक आपके फेस पे काफ़ी, मतलब इसमें काफ़ी देख सकते हैं आप लोग, समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. तो ये काफ़ी वैसे आपके फेस पे काफ़ी डॉट से बना देता है, काफ़ी इवनली स्प्रेड नहीं करता आपके फेस पे प्रोडक्ट. ये कुछ डॉट से बना देता है स्पंज की उससे. तो मैं इस दूसरे स्पंज से ट्राई करूँगी. आपको ऐसे स्पंज ईज़िली आपकी लोकल मार्केट में 10 रुपीज़ में मिल जाएंगे. तो इसको मैंने वेट कर लिया है. तो मैं अब प्रोडक्ट लूँगी और उसको अपने हैंड पे आपको लगा के दिखाऊँगी ताकि आपको पता चले कि कैसा है, वर्क करता है ये. तो गाइस को मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपने बैक ऑफ द हैंड पे. तो आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये कितना अच्छा, कितना फ्लॉलेस लग रहा है. और ये हाथ देख सकते हैं आप, दोनों हाथ देख सकते हैं डिफरेंस दोनों में.
तो अब मैं आपको इसको अपने हाफ फेस में पहले अप्लाई करके दिखाऊंगी ताकि आपको डिफरेंस इजीली पता चल सके। सो गाइस, इसे अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको अच्छे से आपको अपना स्पंज वेट कर लेना है वाटर में। तो मैं इसको अच्छे से वेट कर लूँगी। पानी बिल्कुल निचोड़, बिल्कुल इसका पानी निचोड़ना नहीं है, एकदम मतलब थोड़ा बहुत पानी इसमें रह जाए तभी आपको प्रोडक्ट अच्छे से आपके फेस पे अप्लाई होगा। तो मैंने इसको वेट कर लिया है। अब मैं प्रोडक्ट लूँगी इसमें से, देन आपको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। गाइज, एक चीज़ मैं आप लोग को बताने भूली गई कि इसको अप्लाई करने से पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज किया था एंड प्राइमर भी अप्लाई किया था। मेक श्योर कि आप लोग प्राइमर अप्लाई करें तभी इसको अप्लाई करें। कोई भी फाउंडेशन आप अप्लाई करें उससे पहले प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि जो आपके ओपन पोर्स होते हैं ये आपका फाउंडेशन उसमें चला जाएगा तो आपको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आप डिफरेंस दे सकते हैं। तो गाइस, आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरे इस साइड में और इस साइड में। तो ये काफ़ी अच्छा फुल कवरेज पैनकेक है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको काफ़ी अच्छा पैनकेक मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा फ्लॉलेस फिनिश दे रहा है। तो अब मैं अपने इधर भी फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। तो गाइज, ये रहा मेरा बेस। आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना फ्लॉलेस लग रहा है, पास से भी देखिए। बट हाँ, मेक श्योर आप इसे अप्लाई करने से पहले अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज करें ताकि आपको ड्राई पैचेस ना दे। तो मेरे फेस पे काफ़ी अच्छा फ्लॉलेस लग रहा है और शेड भी काफ़ी मैच हो गया है कुछ हद। और हाँ गाइस, इसे यूज़ करने के बाद आप श्योर रहें कि जब ये ड्राई हो जाए तब इसे आप कवर करके रखें, वरना इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होने की चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, तो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मेक श्योर कि ये जब ड्राई हो जाए पूरी तरीके से फिर इसे आप बंद करके रखें। तो गाइस, बाकी तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे पैनकेक। अब आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज, बात कर लेते हैं अब ये पैनकेक वाटरप्रूफ है या नहीं है। तो मैंने अपने बैक ऑफ द हैंड पे पानी डाल के देखा था, तो ये पानी के साथ तो बह नहीं रहा था। अगर आप पानी डाल के इसको रब करेंगे तब ये अपनी मतलब प्रोडक्ट निकलने लगेगा धीरे धीरे। तो अगर आपके पसीना आ रहा है तो आप मेक श्योर कि ये टैप टैप करके उसे एक क्लीन करें, आप ऐसे रब ना करें, क्योंकि फिर अगर आपने ऐसे रब कर दिया मतलब पानी के साथ तो वो इजली निकल जाएगा कोई भी। हाँ गाइज, आपको अगर कोई और भी प्रोडक्ट का रिव्यू या कुछ जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर, अगर जितना हो सकेगा मैं ज़रूर से आप लोगों के लिए वो वीडियो शेयर करूँगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोग का एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है कुछ अच्छा करने के लिए। तो मेक श्योर मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं आप इसे, अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड एनी वेयर जहाँ भी आपका अकाउंट हो उस पर शेयर करें ताकि ये और भी लोग देखें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। तो गाइज, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए। और रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल बटन है उसे भी जरूर हिट कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, लव यू गाइज़।